राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया और जिस दिन रिजल्ट आया कांग्रेस की तो पार्टी तो जीत गई, कांग्रेस की सरकार भी बन गई, लेकिन सीपी जोशी जी सिर्फ एक वोट से हार गए। इसलिए मैं कह रहा हूं एक एक वोट जो है वो आपने कांग्रेस के लिए आपके पंजे के लिए, असली कैंडिडेट हमारा जो है वो हाथ का पंजा है, इस हाथ के पंजे पे निशान लगा के दिव्यांशु बुद्धि राजा को जिताना है और मोदी जी को भगाना है। मोदी जी जाएंगे तो ही अच्छे दिन आएंगे। जय हिंद जय भारत। अब आपके सामने नीलोखेड़ी से हमारे साथी विधायक धर्मपाल गोंदर जी अपने विचार रखने के लिए आ रहे हैं, जोरदार ताड़ियों से स्वागत किया जाए। कांग्रेस पार्टी भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा, आदर व सम्मान के योग यहाँ पर पहुंचे सभी भगवान रूपी जनता, मैं आपको सबसे पहले नमन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। सम्मानित मंच पर हमारे माननीय विधायक श्री बलबीर सिंह जी, श्री शमशेर सिंह गोगी जी, भाई त्रिलोचन जी जो अभी उम्मीदवार है करनाल से, श्री अशोक रोड़ा जी और राकेश भाई जी कंबोज इंद्री से, सम्मानित मंच मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और कुछ भी इसमें आपके बात रखना चाहता हूं कि हमारे बीच में आज एक जो ये आज संघर्ष है, एक चुनौती है, इसका हमने सबने मिलजुल कर सामना करना है। एक मैं नारा बोलूंगा, जय भीम जय भारत जय जवान। साथियों, आज आपके बीच में उस बलिदान परिवार से इंदिरा गांधी जी की पोती आपके बीच में प्रियंका जी पधारेंगे और ऐसे परिवार से है जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। साथियों, मैं निवेदन करता हूं कि आज पूरे भारत में बदलाव का माहौल है और इस बदलाव के उसमें आपने मिलकर चुनौती का सामना करना है और हरियाणा की 10 के 10 सीट कांग्रेस पार्टी की पक्ष में जा रही है। इसके लिए मैं आप जनता का धन्यवाद करता हूं, हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से आज जो देश का माहौल है, देश में जो इतना बड़ा अत्याचार है उसको बदलना है और हमने कांग्रेस पार्टी को लाना है। आज भारतीय जनता पार्टी की नीति से पूरे देश की जनता परेशान है और कांग्रेस को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। 25 तारीख को मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा को ज्यादा से ज्यादा वोट दें और जिसकी रिश्तेदारी करनाल में पड़ती हो वहां से हमारे भाई आपके उम्मीदवार त्रिलोचन जी विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा है, वहां भी फोन करके उनको भी ज्यादा से ज्यादा वोटर दिलवाने का काम करें। साथियों, 25 तारीख को जब वोट डालने जाएं, यदि कोई आपका मन ऐसा डोल जे भी किसको वोट दूं, तो आप उस समय जो किसान डेढ़ साल तक सड़कों पर बैठे रहे,
बारिश में बैठे रहे, सर्दी में बैठे रहे, उस टाइम उनका ध्यान करना, फिर भी आपका मन डोले तो उन सरपंचों को जो आपने चुने थे उन पे जो लठ बजे, उन पे डंडे बजे, उनको जरूर ध्यान में रखना। फिर भी आपका मन कोई ऐसी गुआई दे भी कहाँ वोट दूं, तो वो अपनी बहन बेटी जो आंगनवाड़ी वर्कर थी, आशा वर्कर थी और मनरेगा वर्कर थी, जो सड़कों पर अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर एक साल सड़कों पर बैठकर गुजारा किया, उनका जरूर ध्यान करना। यदि आप जिन्होंने लगभग दो साल किसान भाइयों ने जो अन्नदाता है सड़कों पर गुजारे, के करीब किसान वहां अपनी प्राणों की आहुति दी। जब कोई भी एजिटेशन होता है उसमें कोई दम होता है, किसी एजिटेशन में वैसे कोई नहीं कहता भी हम सड़कों पे बैठे, उसमें कोई दम होता है, कोई मांग होती है, देश के लिए मांग होती है, तो उसमें हमें जरूर ध्यान देना। साथियों, इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, या भगवान रूपी जनता से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर दिवांशु जी को कामयाब बनाना है। दिवांशु जी जीत तो रहे हैं, फिर करनाल जिले को, करनाल लोकसभा का रिकॉर्ड बनाना था है, तो सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा वोटों से दिवांशु जीते, ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। कोई भाई ये ना सोचे कि 4.5 साल के, मैं अपनी बात बताता हूं, कोई भाई ये ना सोचे भी 4.5 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी को, श्री मनोहर लाल जी की सरकार को सपोर्ट करी, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमने कोई भी जहां साइन करवाए श्री मनोहर लाल जी ने, पूर्व सीएम साहब ने हमें वहां साइन करे, लेकिन जब 4.5 साल के बाद उन्होंने मन बना लिया, कि हमने दुष्यंत जी को निकालना है, तो हमें जब साइन करने के लिए कहा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से निवेदन किया था भी आप क्यों निकाल लो, 4.5 साल हो गए और अब उनकी भी वोटें हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने मन बना लिया था नहीं हमें तो निकालना ही है, तो उन्होंने निकाल दिया, हमारे साइन करवा लिए। तो फिर एक हमें कोई भी आगे जब कर लो, अच्छा हमें कोई पूछा नहीं गया, और हमारे को जब नीलो खेड़ी में 3 जनसभाएं श्री मनोहर लाल जी ने की, हमें पूछा नहीं गया और हमें दरकिनार कर दिया, तब हमने मन बढ़ाया का ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, सिर्फ पता नहीं जेजेपी के कितने साथियों ने इस पार्टी को छोड़ दिया, आजाद पार्टियों को छोड़ दिया, सिर्फ मेरे को ये कहा गया मेरे गांव में जाकर 19 तारीख को कि ये भारतीय जनता पार्टी में हमने इसको इसका सपोर्ट लिया, हमारी मजबूरी थी, गांव में जाके मेरे को धमकी दी गई श्री मनोहर लाल जी के द्वारा भी, मेरी तो पहले ही अंखा में खटके थी, मैं कल्ला दलित का बेटा था जिन्होंने यह सरकार से अपना समर्थन वापिस लिया, और जनरल के कितने आदमी थे उनको देखो, धमकी देकर मेरे को धमकी दी गांव में जाके, मेरे तो पहले आंखों में खटके था। साथियों, अब इन्होंने मन बना लिया संविधान को बदलने का, संविधान, धन्यवाद आप सभी का, इस पे जरूर ध्यान, तैयार रहियो, सम्मान में तालियां तोड़े आए हैं। हमारे बीच में हमारी नेता अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय उदयभान जी,
पहुंच चुके हैं, एक ही मिनट पर वो स्टेज पर आपके बीच में आएंगे। जब वो स्टेज पे आए तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जोरदार नारों से उनका स्वागत करें। आज आपकी इस भीड़ ने और पानीपत को पूरी तरह से जाम करके ये साबित हो गया कि करनाल लोकसभा सीट से दीपांशु बुद्धि राजा आपके सहयोग से भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। साथियों, बहुत अहंकार था मनोहर लाल को,